हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनपीएस क्लासेस। अभी तक हमने इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक में चार रेशियोज का इन्वर्स निकाला। क्या क्या था? साइन का, कॉस का, टैन का, कॉट का। हमारे पास दो रेशियोज और बची हैं, कोसेक और सेक। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन्वर्स ऑफ कोसेक। इन्वर्स ऑफ कोसेक इसकी बात करें तो इसका इन्वर्स क्या होगा, इसको इन्वर्स हम कैसे बनाएंगे, डोमेन क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी, इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा कि कोसेक होता क्या है। हमको पता है कोसेक होता है, कोसेक एक्स होता है वन अपॉन साइन एक्स। कोसेक एक्स क्या होता है? वन अपॉन साइन एक्स। साइन का रेसिप्रोकल। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा इसको हम जब पहले देखते हैं। देखो, कोसेक की वैल्यू डिफाइन तभी होगी जब साइन जीरो ना हो। कोसेक की वैल्यू तभी डिफाइंड होगी जब साइन जीरो ना हो। साइन जीरो कहाँ होता है? साइन जीरो होता है जीरो पे, पाई पे, टू पाई पे, फिर इधर माइनस पाई पे, माइनस टू पाई, है जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होते हैं उस पे क्या होता है? साइन जीरो होता है। और जहाँ साइन जीरो वहाँ कोसेक नॉट डिफाइंड होगा, वहाँ पर कोसेक वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी को टेंड करेगी। तो अब हम क्या करेंगे देखना। साइन का ग्राफ यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इसके मैक्सिमम वैल्यू क्या है? वन है। अब मिनिमम वैल्यू क्या है? माइनस वन है। अब कोसेक का ग्राफ बनाने के लिए बड़ा सिंपल होता है कोसेक का ग्राफ। हम क्या करेंगे, जो साइन का ग्राफ है उसके मैक्सिमम पॉइंट्स उसको फ्लिप कर देंगे और मिनिमम पॉइंट्स उसको फ्लिप कर देंगे। समझ गए? देखो आप क्या करते हैं, जीरो से पाई के बीच हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से ग्राफ को, से जो ग्राफ ऐसा है इसको हम ऐसे फ्लिप कर देंगे। देख लो, ये यहां पे वन से फिर फ्लिप कर देंगे। यहां पे देखिए, यहाँ नीचे माइनस वन से फ्लिप कर देंगे इसको। ना तो ये जो ग्राफ दिखा हमारे पास है, ब्लू वाला ग्राफ, ध्यान देना ब्लू वाला ग्राफ। ये जो ब्लू वाला ग्राफ है किसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉस के ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। क्या सर, ब्लैक वाला थोड़ा डॉट डॉट कर देते हैं। यहाँ पे जो ब्लू वाला ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ किसका है भाई? कॉस एक्स का ग्राफ है। समझ में? अब हम देखो इसे देख रहे हो आप, जीरो पे इसकी वैल्यू ऐसे इनफाइनाइट क्यों टेंड करेगी, इसको वन को टच, इस लाइन को टच नहीं करेगी। समझ में? इसकी वैल्यू को जीरो क्या होती है, अगर यहाँ पे हम साइन जीरो रखें तो कोसेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा? वन अपॉन जीरो, दैट इज इक्वल टू इनफाइनाइट। साइन जीरो क्या क्या वैल्यू इनफाइनाइट भी। अगर हम पाई की बात करें तो पाई पर भी साइन की वैल्यू क्या होती है? जीरो। यहाँ पे इनफाइनाइट इनफाइनाइट टेंड करेगा। यहाँ पे जीरो से पाई इनफाइनाइट टेंड करा, फिर पाई से टू पाई पे देखो वैल्यू, पाई और टू पाई वैल्यू इनफाइनाइट को टेंड करा है, फिर टू पाई थ्री पाई वैल्यू इनफाइनाइट टेंड करा है, ऐसे माइनस में भी है। समझ में? तो अब इसको हम ये हमारा देखो देखें तो ये ऑन टू लग रहा है लेकिन वन वन नहीं। तो वन वन कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखो वन वन कैसे बनेगा, ध्यान देना। अगर हम जीरो से पाई का, जीरो से पाई के बीच उसको बाउंड करें, ध्यान देना, जीरो से पाई पे बाउंड करें तो ये हमारा वन वन नहीं बनेगा। देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन खींचे, वाई के एक वैल्यू के लिए एक्स की दो वैल्यूज मिलेंगी ना, एक्स की एक यहाँ मिलेगी एक यहाँ मिलेगी, एक्स की दो वैल्यूज मिलेंगी। वाई इसको अगर जीरो से पाई बाउंड करेंगे तो ये नहीं होगा हमारा वन वन। इसको वन वन बनाने के लिए देखो हम क्या करते हैं, वन वन बनाने के लिए इसको हम माइनस पाई बाई टू से
प्लस पाई बाई टू के बीच बाउंड कर देंगे और देखते हैं क्या ये वन ऑन होता है। चलिए माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू इसको बाउंड करते हैं। देखो ये कौन सा ग्राफ बनेगा, ये रेड वाला दिख रहा है, रेड वाला ग्राफ है, ये क्या होगा हमारा, ये जो ग्राफ रेड वाला दिख रहा है ये होगा हमारा वन वन ऑन टू दोनों होगा, ये दोनों क्या होगा वन वन ऑन टू होगा। देखो यहाँ पे x के एक पार्टिकुलर वैल्यू पे y के केवल पार्ट एक वैल्यू मिलेगी। देखो जैसे x को x1 मान ले तो y की केवल एक वैल्यू मिली, x को x2 मान ले तो y की एक वैल्यू मिली ना, तो x1 is equal to x2 नहीं है तो y1 is equal to y2 भी नहीं होगा। ये हमारा हो गया y2, ये हो गया y1। यहाँ पे अगर नेगेटिव बात करें ये x3 हमको y3 मिला, यहाँ पे ये x4, यहाँ क्या मिला हमको y4 मिला। समझ में आया, यानी x की एक पर्टिकुलर वैल्यू पे y की एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, यानी इनपुट एक आउटपुट एक, तो वन वन हुआ ये है। और ऑन टू देखो ग्राफ ऊपर से लेकर नीचे तक फैला हुआ है, ये माना क्या गया वन वन ऑन टू दोनों हो गया। किस रेंज में, बिटवीन पाई बाई टू टू पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में। लेकिन एक सिद्धांत है यहाँ पे, जीरो पे इसकी वैल्यू ना तो इधर मिल रही ना तो इधर, इधर भी इनफाइनाइट क्यों टेंड कर रही, इधर भी इनफाइनाइट क्यों टेंड कर रही है, तो पूरा माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू नहीं लेंगे। ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम पूरा नहीं लेंगे, इसके बीच में एक वैल्यू क्या है जीरो है, एक पॉइंट क्या है जीरो, जहाँ पे हमारा कॉसेक क्या होता है डिफाइंड नहीं होता है। हम क्या करेंगे माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच की वैल्यू लेंगे, माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई दोनों भी लेंगे, लेकिन इसके बीच में हम जीरो को निकाल देंगे, इसके बीच में क्या करेंगे जीरो से निकाल देंगे। इसकी रेंज क्या बनेगी आप देखें तो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू माइनस जीरो कर दें, तो ये जीरो निकाल दें क्या हो जाएगा हमारा, ये बाउंड कर दें इसको, तुम्हारा फंक्शन क्या होगा वन वन ऑन टू दोनों होगा। ये क्या होगा फंक्शन हमारा वन वन भी होगा ऑन टू भी होगा ना। तो अब देखते हैं इसको लिखते हैं भाई हम, तो ये चीज हम इरेज करते हैं यहां से, यहां देखिए कोसेक such that domain क्या है इसकी माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू में से जीरो निकाल दें, इसकी डोमेन हो गई। रेंज क्या होती है भाई ध्यान देना यहाँ पर रेंज, अब अगर आप लोग देख रहे हो ग्राफ को तो ग्राफ में माइनस वन से प्लस, माइनस वन से प्लस वन के बीच की कोई भी वैल्यू इस ग्राफ के अंदर नहीं आ रही। देखो यहाँ पे ये ग्राफ है हम माइनस प्लस वन से इनफाइनाइट की ओर, ये माइनस वन से इनफाइनाइट की ओर, मतलब माइनस वन से प्लस वन के बीच का कोई वैल्यू होता ही नहीं। हम क्या करें रियल नंबर में से माइनस वन से प्लस वन की बीच की वैल्यू निकाल दें। हमने यहाँ पे ओपन इंटरवल यूज किया है, ध्यान देना ओपन इंटरवल मतलब माइनस वन प्लस वन हो सकता है लेकिन उनके बीच की वैल्यू उसमें नहीं आएंगे, माइनस वन से प्लस वन के बीच की वैल्यू कोसेक के अंदर नहीं आती है। ये चीज़ हम आपको पहले पिछले वीडियो में बता चुके हैं ना, जहाँ पे हम साइन कॉस मतलब जितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उनके रेंज रेंज डोमेन की बात की थी, तो वहाँ पर हमने बताया था ये कहाँ से आया कैसे आया है ना। और यहाँ ग्राफ से साफ क्लियर हो रहा है जो वैल्यू है इसकी माइनस वन से प्लस वन से माइनस वन के बीच की कोई भी वैल्यू उसके बीच में नहीं आ रही। समझ में आया कि हमारा कोसेक फ्रॉम माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू में जीरो निकाल दें, कहाँ तक इसकी रेंज क्या है रियल नंबर माइनस पाई बाई टू से माइनस वन से प्लस वन, ये हमारा बाइजेक्टिव हो गया, इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। चलिए ठीक है, इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। सुन ना ये क्या हमारा एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, उसको ले सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स या वाई लिख सकते हो, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल कोसेक एक्स, तो भाई यहाँ से हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कोसेक इनवर्स वाई, कोसेक इनवर्स वाई, ये हमारा मिल गया कोसेक का इनवर्स फंक्शन।
ना, इसमें डोमेन क्या था, ये था और रेंज ये था, इसका डोमेन रेंज पलट जाएगा सिंपल सा। इसका डोमेन रेंज क्या होगा, इसको हम लिखते हैं, पहले वीडियो पास करके ग्राफ बनाइए, इसको लिखिए, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर चलिए ग्राफ को थोड़ा क्लियर बना दिए हैं। अब देखो हमने क्या कहा था, हमने कहा कि ग्राफ को कहाँ से कहाँ तक बाउंड किए, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। उसके बाद का हम ग्राफ यहाँ पे इरेज कर देते हैं, उसके बाद का ग्राफ हम क्या करते हैं, इरेज कर दे रहे हैं, तो क्या मिलेगा देखना। दिख रहा है ग्राफ आपको, जो ब्लू वाला पोर्शन ये हम रेस कर दें ब्लैक वाला भी, तो ये मारा गया जीरो। तो जो ब्लू वाला ग्राफ आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये यहां से यहां तक का हमारा जो ग्राफ है ये क्या होगा, वन वन ऑन टू होगा, समझ में आया। बाकी कोसे का ग्राफ तो ऐसे भाई ऐसे जाएगा, इधर ये इधर ऐसे बढ़ता जाएगा। और देखो आप यहाँ पे क्लियर एकदम साफ दिख रहा है किसकी वैल्यू प्लस वन से माइनस वन के बीच में है ही नहीं, अगर ये भी हटा दो तो अब साफ दिख रहा होगा आपको, इसकी वैल्यू प्लस वन से ऊपर की ओर गई है और माइनस वन से नीचे की ओर गई है ना। वही जो यहाँ पे इसको लिखिए, इससे इसको हम एक बार एलोबरेट करते हैं। आप देखना माइनस वन से माइनस इनफाइट तक, माइनस इनफाइट से माइनस वन तक आया है, वैल्यू कहाँ से आई है, माइनस इनफाइट से माइनस वन तक आया है, फिर वन से प्लस इनफाइट तक गया है, वन से प्लस वन से कहाँ तक गया वैल्यू, माइनस इनफाइट सॉरी प्लस इनफाइट तक गया है। हमने क्या किया, इसको कंबाइंड कर दिया था, इसको कंबाइंड किया, देखो यहाँ पे प्लस वन से छोटी वैल्यू है, प्लस माइनस वन से छोटी वैल्यू है और प्लस वन से बड़ी वैल्यू है, माइनस वन से प्लस वन के बीच की वैल्यू है ही नहीं, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, माइनस पाई से प्लस पाई में से हम क्या निकालते हैं, माइनस वन से प्लस वन के बीच की वैल्यू, तो इसको हम बोलते हैं रियल नंबर। भाई माइनस इनफाइट से प्लस इनफाइट क्या रियल नंबर ना, में से हम क्या निकालते हैं, माइनस वन से प्लस वन की वैल्यू, तो वही से ये चीज आई ग्राफ से साफ क्लियर चीज है। तो इसका इन्वर्स लिखते हैं कैसे लिखेंगे देखना भाई, अब ये सब देखो, तो cos इनवर्स y क्या आ गया हमारे पास, x, इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, रेंज ये हो जाएगी, सो cos सॉरी cosec इनवर्स सच दैट डोमेन इज फ्रॉम माइनस रियल नंबर माइनस वन से प्लस वन, ओपन इंटरवल ध्यान देना यहाँ पे, क्लोज मत लगा देना, से लेकर के कहाँ तक, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, और इसमें से क्या निकाल दें हम, जीरो माइनस कर दें, जो कि मेरी कोसेक का डोमेन, कोसेक इनवर्स का डोमेन और प्रिंसिपल रेंज है ये, जान लेना ये क्या है हमारा प्रिंसिपल रेंज है। तो ये हमारा इसको हम बाइजेक्टिव बनाए, कहाँ से कहाँ तक बाइजेक्टिव बनाए, रेंज बाउंड करके माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच बाउंड किए, जिसमें हम जीरो बाहर निकाल दिए हैं, देखो यहाँ पे जीरो बाहर निकला है, यहाँ क्लियर हो रहा साफ साफ, और रेंज इसकी तो वही रहेगी भाई माइनस इनफाइट से प्लस इनफाइट, और बीच में हम क्या गैप क्या निकाल देंगे, माइनस वन से प्लस वन के बीच की वैल्यू निकाल देंगे। तो हमारा फंक्शन जो कोसेक हो गया क्या हो गया, ये बाइजेक्टिव बन गया, इसका इनवर्स हम आराम से निकाल लिए, कोसेक इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स, द डोमेन इज रियल नंबर माइनस माइनस वन से प्लस वन के बीच की वैल्यू, एंड द प्रिंसिपल रेंज इज माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू माइनस जीरो, क्योंकि जीरो वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। तो वीडियो पास करके आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं लास्ट रेशियो की, दैट इज सेक। चलिए अब आगे बात करते हैं हम इनवर्स ऑफ सेक की। हमारे सामने कॉस का ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ रिमेम्बर होगा आपको, किसका ग्राफ है, कॉस का ग्राफ है। हमने कॉस का ग्राफ क्यों बनाया, क्योंकि जो सेक होता है वो क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, समझ में आया, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, सेक इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस एक्स। तो इसलिए हम कॉस का ग्राफ बनाए, जैसे हमने क्या किया अभी साइन का बना के उसका फ्लिप कर दिया था उसको,
तो हमको कोसेक का मिल गया था, वैसे सेम करेंगे हम, कॉस का ग्राफ बना उसको फ्लिप कर देंगे एंड वी विल गेट द ग्राफ ऑफ सेकेंड्स। गॉट इट? चलिए इसकी वैल्यू कहा मैक्सिमम प्लस वन और मिनिमम माइनस वन। और देखो सेक कहाँ कहाँ डिफाइन नहीं होता, जहाँ कॉस जीरो होगा, कॉस जीरो कहाँ पे होता है, पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, फिर थ्री पाई बाई टू माइनस थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू माइनस फाइव पाई बाई टू, मतलब जो भी ऑड मल्टीपल्स हैं पाई के उस पर क्या होता है, कॉस जीरो होता है, और जहाँ कॉस जीरो वहाँ पे सेक डिफाइंड नहीं होगा। देखते हैं भाई इस पॉइंट पे कॉस डिफाइंड नहीं होगा, इस पॉइंट पे कॉस डिफाइंड नहीं होगा, सेक डिफाइंड होगा, कॉस डिफाइंड होता है यार। चलो अब हम क्या करेंगे, देखो भाई हम करने चल रहे हैं sec x का ग्राफ प्लॉट करने चल रहे हैं यहाँ पे। हम कैसे प्लॉट करेंगे, देखो जैसे हम क्या करेंगे, साइन की वैल्यू, साइन का जो मैक्सिमम पॉइंट था उसको फ्लिप कर दिया था, वहां पर क्या करेंगे, ये ग्राफ ऐसे उसको फ्लिप कर कैसे कर लेंगे हम, देखना कहाँ से फ्लिप करेंगे, इस पॉइंट से, मैक्सिमम पॉइंट से, ये तो यहाँ पर देखा जाए ये ऐसे ये फ्लिप हो जाएगा, तो ये जो हमारी ग्राफ है क्या है, ये ब्लू ग्राफ दिख रही है आपको, ये रिप्रेजेंट कर रही है sec x के ग्राफ को, समझ में, ये रिप्रेजेंट कर रहा है sec x के ग्राफ को। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसको हम वन वन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू अगर लेंगे तो ये ग्राफ ऐसे कुछ आएगा, ये वाला पोर्शन को मिलेगा ना, ऐसे कुछ है ये जीरो, ये हमारा क्या वन वन है, चेक कर लेते भाई, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ किए, यहाँ पे हमको दो पॉइंट मिला, एक्स की दो वैल्यू के लिए वाई की एक वैल्यू मिली, दिस इज मेनी वन फंक्शन नॉट अ वन वन फंक्शन। वन वन बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो कहाँ से कहाँ तक बाउंड करते हैं, इसको हम बाउंड कर रहे हैं फ्रॉम जीरो टू पाई, कहाँ तक बाउंड करें, इसको जीरो से पाई तक बाउंड करें, ध्यान देना यहाँ पे, इसको हम बाउंड कर रहे हैं जीरो से पाई, इस ग्राफ को हम रेड कर दे रहे हैं, ध्यान देना यहाँ पे, ग्राफ हमारा जीरो से पाई, जो रेड वाला ग्राफ दिख रहा है ना, ये हमारा रिप्रेजेंट, ये हमारा क्या होगा, वन वन होगा, ऑन टू होगा, सुन ना, जीरो से पाई, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे पाई बाई टू पे इसकी वैल्यू को प्लस इन्फिनिट क्यों टेंड कर रही है, यहाँ पे माइनस इन्फिनिट क्यों टेंड कर रही है, तो हम क्या करेंगे, जीरो से पाई तो लेंगे लेकिन पाई बाई टू निकाल देंगे वहां से, पाई बाई टू वहां से रिमूव कर देंगे, सुन ना यार, तो सबसे पहले आप ग्राफ बनाइए फिर हम आगे बात करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक इसको बाउंड कर रहे हैं, डोमेन रेंज इसकी चर्चा हम आगे करते हैं, पहले आप इसको नोट कीजिए वीडियो पास करके। बढ़िया ग्राफ, चलिए हम क्या करते हैं, जो रेंज हमने बाउंड किया है उसको छोड़कर बाकी सब इरेज करते हैं ताकि अच्छे से डाउट हमारा क्लियर हो, ये पोर्शन क्या कर रहे हैं, यहाँ से इरेज कर रहे हैं, ये जो ग्राफ दिख रहा है हमारा, ये ऊपर इन्फिनिट को टेंड कर रहा है पाई बाई टू पे, यहाँ पाई बाई टू पे माइनस इन्फिनिट को टेंड कर रहा है,
इसके बाद देखिए माइनस वन से इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, ये प्लस वन से इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, ये प्लस वन है ना। इसकी भी सेम वही रेंज क्या होगी, रियल नंबर में से माइनस वन से प्लस वन के बीच की वैल्यू निकाल देंगे। इसको हमने बाउंड कहाँ से कहाँ तक किया है, माइनस सॉरी यहाँ पर लिख दिया हम जीरो तक बाउंड, इसको पाई तक बाउंड किया, जीरो से पाई तक हमने इसको बाउंड कर दिया, जीरो से पाई तक बाउंड किया। और बीच की एक वैल्यू क्या है, पाई बाई टू, जहाँ पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा उसको हम निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं such that from 0 to pi, और हम निकाल दें यहाँ से पाई बाई टू को निकाल दें, क्यों, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट को टेंड कर रही है और ये माइनस इनफाइनाइट को टेंड कर रही है, माइनस पाई बाई टू। इसको रेंज क्या होगी भाई, रेंज रियल नंबर में से माइनस वन से प्लस वन के बीच की वैल्यू निकाल दें यहाँ पे, रियल नंबर माइनस माइनस वन टू प्लस वन, ये हमारा सेक हो गया। इसका मतलब ये वन वन हो गया, यहाँ पर हम लिखेंगे सेक एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, क्या हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है, जिसको हम y के बराबर ले सकते हैं, y is equal to sec x, तो यहाँ से हमारा sec इधर आया, क्या हो जाएगा sec inverse y is equal to x, हमारा इनवर्स मिल गया। अब इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी इसकी चर्चा कर लेते हैं हम। सो sec inverse क्या होगा, क्या देखना, इसकी डोमेन होगी रियल नंबर में से हम माइनस वन से प्लस वन के बीच की वैल्यू निकाल दें, और डोमेन क्या होगी जीरो से पाई और इसके बीच की वैल्यू जहाँ पे एक सेक डिफाइंड नहीं है, क्या है पॉइंट, पाई बाई टू, इसको निकाल देंगे माइनस पाई बाई टू। ये हो गया हमारा इसका डोमेन और ये हो गया इसका प्रिंसिपल रेंज, किसका हो गया सेक का, समझ में। तो आज हमने पूरा कंप्लीट किया, क्या क्या पढ़ा, पूरा साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ठीक है, छोर रेशियो को हमने इनवर्स निकाला। तो आप वीडियो पास करके नोट कर लीजिए, फिर मैं एक चार्ट बनाते हैं, उस चार्ट में हम टोटल सब का इनवर्स का डोमेन रेंज क्या होता है उसको लिखते हैं, पर इसको वीडियो पास करके आप नोट कीजिए। तो ये रहा हमारा टोटल ग्राफ, टोटल चार्ट रहा हमारा कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक का इनवर्स डोमेन, ये हमारा क्या है इसका डोमेन है, एंड दिस वन इज आर प्रिंसिपल रेंज, समझ में, ये हमारा प्रिंसिपल रेंज है। तो आप इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि इसको आप जानोगे तभी आप एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी का सॉल्व किया, जो भी क्वेश्चन होंगे आप उसको सॉल्व कर सकते हो, समझ में, क्योंकि वहाँ पे वो आपसे बात करेगा प्रिंसिपल वैल्यू की बात करेगा, आपको अगर प्रिंसिपल रेंज पता रहेगी तब आप प्रिंसिपल वैल्यू वहाँ पे निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।